सिस्टम के शव यात्रा की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और दोनों ही तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये ओडिशा की हैं। पहली तस्वीर उस शख्स की जिससे पत्नी के शव को घर तक ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली और वो कंधे पर पत्नी का शव लादकर घर के लिए निकल पड़ा, साथ में उसकी 12 साल की बच्ची भी। तो दूसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की। यहां दो लोग एक बांस पर बोरी से बांधकर बुजुर्ग महिला का शव ले जा रहे हैं। अज्ञात शव के साथ कैसा सलूक किया जाता है उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। बुजुर्ग महिला की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी और इसके बाद रेलवे पुलिस ने इस शव के साथ कैसा सलूक किया उसकी तस्वीर आपके सामने। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में रेलवे पुलिस से जवाब मांगा है। ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने फरवरी में महापरायण योजना की शुरुआत की थी। महापरायण योजना में शव को सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देने की व्यवस्था है, लेकिन ओडिशा के दाना मांझी के लिए जब सरकार की ये योजना नहीं अपना कंधा काम आया, ये सिस्टम की शव यात्रा नहीं तो और क्या है। आप देखने जा रहे हैं सिस्टम की शव यात्रा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस एक तस्वीर की कई कहानियां हैं। पहली कहानी ये कि एक पति के कंधे पर पत्नी का शव है। पति पत्नी का शव लेकर पैदल चला जा रहा है, साथ में मासूम सी बिटिया है। दूसरी कहानी ये कि देश के एक गरीब मजबूर लेकिन जिम्मेदार नागरिक के कंधे पर हमारे सिस्टम की शव यात्रा निकल रही है। सिस्टम की शव यात्रा ही तो है ये। जरा सोचिए, जो देश दुनिया का सातवां सबसे अमीर देश बन चुका है, उस देश में एक नागरिक को अस्पताल से अपनी पत्नी का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। मजबूरन उसे कंधे पर शव लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पत्नी का शव लेकर पैदल चल रहे इस व्यक्ति का नाम दाना मांझी है। ओडिशा के कालाहांडी के मेलघारा गांव में रहने वाले दाना मांझी पत्नी को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर भवानीपटना के जिला अस्पताल ले गए थे। मांझी की 42 साल की पत्नी लंबे वक्त से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। अस्पताल में ही मांझी की पत्नी की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने दाना मांझी से पत्नी का शव जल्दी ले जाने को कहा, लेकिन मांझी को अस्पताल वालों ने न एम्बुलेंस दी न मॉर्चरी वैन। अगर वहां योजना है एम्बुलेंस दिया जाएगा और सब वहां गाड़ी दिया जाएगा, अगर नहीं मिली और 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, इंक्वायरी क्या करना है, कार्रवाई होनी चाहिए। मजबूरन रात के 3 बजे दाना मांझी ने अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाया और 10 किलोमीटर तक पैदल चले। बीच बीच में शव को जमीन पर रखते, थोड़ी देर सांस लेते और फिर शव उठाकर आगे बढ़ते।